दिल में अगर दर्द हो तो उसका इलाज कीजिए, जिसको दिल नहीं उसका क्या कीजिए, उसको विधानसभा का अध्यक्ष बना लीजिए। उस्मानाबाद की ये पोजीशन है, जालने की पोजीशन है। ये 3 महीने में कितने जो अगर ये बता दे तो मैं आने वाले दिनों में राजकारण भी नहीं करूंगा, मैं आपको मेरी तरफ से कहता हूँ। ना उसमें मुख्यमंत्री का कोई संबंध है, ना आरोग्य मंत्री का संबंध है, फिर ऐसे कौन से मंत्री का संबंध है। सदस्य कैलाश जी गौरण्य, धन्यवाद सर। दिल में अगर दर्द हो तो उसको इलाज कीजिए, दिल में अगर दर्द हो तो उसका इलाज कीजिए, जिसको दिल नहीं उसका क्या कीजिए, उसको विधानसभा का अध्यक्ष बना लीजिए। अध्यक्ष महाराज, मैं यहाँ जो अर्थसंकल्प पे खड़ा हूं कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, ये योजना पिछले 2 साल से जिस हॉस्पिटल को दिया गया उसके क्राइटेरिया क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। एक हॉस्पिटल में कितने बेड होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसको आपने दिया। लेकिन मुझे कहते खेद होता है कि 1 करोड़ रुपया जो हॉस्पिटल वाला देगा उसको योजना मिलती है। तकरीबन 800 हॉस्पिटल को योजना दी है 1 करोड़ के हिसाब से, यानी 800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आदमी के नाम पे हुआ है। मेरे जिले के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ सीधा आईसीयू भी नहीं है, लेकिन उसको जीवन योजना दी है। मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी इंक्वायरी की जाए। हमारे महाराष्ट्र के आदमी की कीमत गुजरात के आदमी से कम दिख रही है सर। हमारे पास जो एंजियोप्लास्ट का स्कीम के जो पैसे आते हैं, तकरीबन गुजरात में जो होता है वो 90,000 में होता है और हमारे जो महाराष्ट्र में होता है वो 60,000 होता है, यानी तकरीबन 30,000 रुपए से कम वैल्यू हमारे लोगों की है। अध्यक्ष महाराज, जालना सिविल हॉस्पिटल हो या आरोग्य मंत्री जहाँ से आते हैं उस्मानाबाद, वहाँ पिछले 3 महीने से एंजियोप्लास्ट या हार्ट से संबंधित कोई भी ऑपरेशन हुआ क्या उसकी याद है, क्योंकि जहाँ जब भी गए तो लोग यही कहते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई प्रकार का सुविधा नहीं है, तो लोग प्राइवेट में जाते। आरोग्य मंत्री यहाँ से राजेश भैया, उस्मानाबाद की ये पोजीशन है, जालने की पोजीशन है। ये 3 महीने में कितने जो अगर ये बता दे तो मैं आने वाले दिनों में राजकारण भी नहीं करूंगा, मैं आपको मेरी तरफ से कहता हूँ। निश्चित ही अपने महाराष्ट्र में जो इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस के बारे में सम्मानित विरोधी पक्ष के नेता ने भी आवाज उठाई, रोहित दादा ने भी आवाज उठाई। मैं इतना कहता हूँ कि ये योजना के अंदर जितना करप्शन हुआ है, एक करप्शन में जो अधिकारी है तकरीबन इसमें डॉक्टर बायुसर, डॉक्टर शिरोडकर, विभाग के संचालक मेनन, इन सबकी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले, यानी 15/3/2004 को इनको लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया सर। कल आचार संहिता लगी उसके पहले इतनी गहराई क्या थी, ना उसमें मुख्यमंत्री का कोई संबंध है, ना आरोग्य मंत्री का संबंध है, फिर ऐसे कौन से मंत्री का संबंध है जो इलीगल मुद्दा दबा दी, इसकी चौकसी हो जाए और ये सभी अधिकारी इंक्वायरी की जाए, ये मांग करता हूं। जय जय महाराष्ट्र।